हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है कि बहुत सारे कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स दिया, उसके ऊपर हमारा टॉपिक है जो हमारा प्लम्बिंग का रिलेटिव है। सही है, जो प्लम्बिंग का काम होता है वो प्लम्बर हो या प्लम्बर टेक्नीशियन, उसका ऊपर वीडियो है। और वो इंटरव्यू के ज़्यादातर का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। और कैसे आदमी लोग 10-10 साल काम करने के बाद भी गल्फ कंट्री में फिर भी प्लम्बिंग, जब FM कंपनी में इंटरव्यू देता है प्लम्बिंग टेक्नीशियन के लिए, तो कैसे वो लोग फेल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि हम सऊदी में भी 2 साल, दुबई में भी, UAE के अंदर हम लोग 3-4 साल काम किया, ओमान में भी काम किया, लेकिन फिर भी हम जब इंटरव्यू देने के लिए गया, जो अपना मुल्क में इंटरव्यू होता है या गल्फ कंट्री में इंटरव्यू होता है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछा वो काम हम कभी किया ही नहीं था। इतना साल के अंदर वो काम हमको मालूम नहीं था। तो उसका ऊपर आज मैं आप लोग को बताऊँगा, क्लियर करूँगा। और आप लोग को मेरे ये वीडियो देखने के बाद कोई भी इंटरव्यू, आपको ये बात याद रख लिया, मेरा वीडियो फुल देख लिया, समझ गया, उसको नोट कर लिया, तो कोई भी इंटरव्यू जाने से पहले उसको एक बार देख लेंगे तो कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है जो आप लोग को फेल कर देगा। सही है, 100% गारंटी में देगा, आपको पास ही करेगा। क्यों, आप इतना साल काम करने के बाद, मुझे समझ आ रहा है आपको क्या क्या काम मालूम हो चुका है और कौन सा काम आपको मालूम नहीं है, किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आया, आप फेल हो गया। सही है, तो उसके ऊपर आज मैं बात करेंगे। उसके साथ में ये हफ्ता के अंदर आप लोग को क्या क्या वीडियो मिलेगा, तो उसको उसका जो टाइटल है मैं आप लोग को बता देता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल में सिलेक्ट करके रखिए, जिस वजह से मेरा जितना भी वीडियो होगा वो आप लोग के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा, आप लोग को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। जैसे लास्ट वीक में क्या हुआ, हमारा खुद का जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी का इंटरव्यू था और उधर का इंटरव्यू ख़त्म हो गया, वीडियो उससे पहले बनाया, नोटिफिकेशन में भी मैं डाला था, व्हाट्सएप में भी, मैं ग्रुप में भी दिया था, फिर भी आज 2 दिन पहले मेरे को बहुत सारा आदमी कॉल कर रहा है, आपका कंपनी में इंटरव्यू है क्या, या हमको कोई कंपनी इंटरव्यू हो रहा है तो थोड़ा बताइए, हम जाएंगे उधर ट्राई करेंगे, जो भी है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करता है। देखिए, बहुत सारे चैनल आप लोग देखता है, बहुत सारे चैनल के अंदर आप लोग को भी ऐसा देता है कि आप ज्वाइन करो, उसमें पैसा हमको इतना आएगा, या जो भी है आप लोग कुछ सपोर्ट कर सकता है तो व्हाट्सअप, पेटीएम, ये सब नंबर भी देता है। हमारा चैनल में ऐसा नहीं है। क्यों, मेरा जो लोग है, मेरा जो दोस्त लोग है, सब्सक्राइबर लोग है, व्यूअर्स है, उन लोगों के पास जॉब नहीं है। मेरे को मालूम है उन लोग का पैसा का क्या प्रॉब्लम है, उन लोग को कैसे मैं रिक्वेस्ट करूँ। ऐसे भी मुझे भी नहीं चाहिए किसी का पैसा, किसी का 1 रुपया। मेरे को यही रिक्वेस्ट है आप लोग को कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करो और वीडियो को फुल वॉच करो, जिससे हर आदमी के पास पहुंच जाएगा। सही है, तो आप लोग बहुत सारे बड़ा बड़ा चैनल लोग का सब्सक्राइब करके रखा है, उन लोग का वीडियो फुल देखता है, तो फिर भी आप मेरा चैनल को वीडियो देख लेता है, फुल देखता नहीं है और सब्सक्राइब भी करता नहीं है। सही है, तो मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, वो लोग का वीडियो जो है वो ज़्यादा टेक्निकली के ऊपर है, जो काम आपको मालूम नहीं वो काम आपको सिखा देगा, लेकिन मेरा जो है वीडियो, ये वीडियो बहुत अलग, बहुत डिफरेंट है। ये क्या है कि हमको गल्फ कंट्री कैसे काम मिलेगा, गल्फ कंट्री का कानून क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, गल्फ कंट्री में जो इंटरव्यू होता है उसका क्वेश्चन आंसर क्या होता है। क्यों, मैं खुद बहुत सारे कंपनी में काम करने के टाइम में खुद इंटरव्यू लिया हूँ, मुझे मालूम है क्या क्या क्वेश्चन आंसर होएगा, इलेक्ट्रिशियन का ऊपर, प्लम्बिंग का ऊपर, जो भी है। सही है, तो इसके लिए ये जो चैनल है इसमें आपको ये मिलेगा, गल्फ कंट्री काम करने के लिए आइडिया मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, यहाँ क्या काम होता है, किस काम के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, वो बात सिर्फ ये चैनल में बता जाएगा। डीपली कोई काम है उसका टेक्निकली पूरा आपको समझाएगा ऐसा नहीं है। कोई कोई काम हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर जब करता है उसका वीडियो अपलोड करता है कि ये काम को हम लोग ऐसे करता है और ये काम ऐसे होता है, या ये कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करता है, तो उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन बाकी जो चैनल आप लोग देख रहे हैं उसको भी देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जितना आप देखेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लेकिन गल्फ कंट्री के लिए, UAE के लिए आप लोग काम करने के लिए चाहता है, कैसे आना है, किस में किस कहाँ इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर आएगा और यहाँ आने के बाद क्या सिचुएशन होता है, कैसे काम करता है, यहाँ का कंपनी कैसा है, यहाँ सैलरी कितना मिलता है, किस लेवल आदमी को क्या पोजीशन मिलता है, तो उसके बारे में ये मैं बताता हूँ जो वो लोग को मालूम नहीं है या वो लोग बताता भी नहीं है। सही है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। ये हफ्ता का जो हमारा टाइटल वीडियो आएगा, तो ये एक तो आज आएगा आपका प्लम्बिंग टेक्नीशियन का ऊपर आएगा, और प्लम्बिंग टेक्नीशियन को इलेक्ट्रिकल का क्या काम मालूम है उसका ऊपर वीडियो मालूम होना चाहिए, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसका ऊपर वीडियो आज आप लोग को मिल जाएगा। सही है, नेक्स्ट मिलेगा इलेक्ट्रिकल का फोरमैन, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ लेकिन आदमी लोग के पास नहीं पहुँचा है, बहुत सारे दोस्त जो नया जुड़ा है तो वो लोग के लिए और एक बार मैं बताता हूँ और ईजिली उसमें बता देगा आसान तरीका से, जो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ आएगा। इलेक्ट्रिकल फोरमैन के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर आएगा और किस कंस्ट्रक्शन कंपनी में कौन सा
नॉलेज चाहिए, क्या कौन सा काम करना चाहिए और FM कंपनी में क्या क्वेश्चन आंसर आएगा, वहाँ क्या काम करना चाहिए, उसका ऊपर आएगा ये हफ्ता का अंदर वीडियो इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए। उसका बाद में विजिटर आएगा, जो लोग विजिट में आता है और विजिट में आना चाहता है उसका ऊपर वीडियो आएगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे आना है या नहीं आना है या आने के बाद क्या करना है उसका ऊपर मैं बताएगा, सही है। तो उसका बाद आएगा दुबई का जॉब, दुबई में जो जॉब मिलता है, दुबई का अंदर आदमी लोग है जो जॉब कैसे मिलेगा, कहाँ का कॉन्टैक्ट हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग को अच्छा सैलरी में अच्छा जॉब मिलेगा और वो उसके लिए हमको कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या क्वेश्चन आंसर आएगा, क्या काम मालूम होना चाहिए, वो वीडियो भी आएगा, सही है। उसका बाद में आएगा आप लोग को टेक्नीशियन से कैसे इंजीनियर बन सकते हैं, एक टेक्नीशियन से एक कंस्ट्रक्शन का या FM का इंजीनियर कैसे बन सकता है FM कंपनी में, मैं आप लोग को उसका ऊपर भी ऐसा आइडिया देगा, नॉलेज देगा बहुत आसान तरीका से, सही है। ये वीडियो भी ये हफ्ता अंदर आपको आएगा, सही है। तो बाकी प्लम्बर लोग के लिए आएगा कि वाटर टैंक क्या होता है, रॉ वाटर क्या होता है, SPT क्या होता है और बाकी स्वीट वाटर क्या होता है, उसमें पूरा जो वाटर टैंक होता है उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हॉट टैंकी का बारे में डिटेल्स में बताएगा, समझाएगा, वो भी आएगा, सही है। दूसरा फोरमैन सुपरवाइज़र का जो स्टेप बाय स्टेप, फोरमैन सुपरवाइज़र इंजीनियर, जैसे स्टेप बाय स्टेप एक फोरमैन आया, वो सुपरवाइज़र हुआ फिर इंजीनियर हुआ, उसका ऊपर मैं ऑलरेडी बनाया वीडियो, लेकिन फिर भी अच्छा सा और डिटेल में क्लियरली मैं आप लोगों को बताएगा स्टेप बाय स्टेप, सही है। ये एक ही वीडियो में नहीं आएगा, इसका वीडियो स्टेप बाय स्टेप आएगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसा जितना जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा पूरा कंप्लीट वीडियो टॉपिक, तब तक वो पार्ट वन, पार्ट टू ऐसा हिसाब से कंटिन्यू आएगा। जो आप लोग देखेंगे पार्ट वन, जिस वीडियो देख लिया तो आप पार्ट टू ढूंढिए, पार्ट टू भी आपको मिल जाएगा, सही है। और ऐसे भी एंड स्क्रीन और आई बटन में मैं भी उसको दे दूंगा, सही है। जब आप लोग वीडियो एंड तक देखेगा तब आपको आएगा वो वीडियो भी आप देख सकता है। उसका बाद में LV MV HV इसका ऊपर वीडियो आएगा, जो इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिकल का जो फोरमैन सुपरवाइज़र नया आके इधर काम करना चाहता है तो LV क्या है, LV इलेक्ट्रिशियन, आपको बहुत सारे इंटरव्यू में आप लोग को रिक्वायर होएगा, उसमें दिया होगा कि LV इलेक्ट्रिशियन चाहिए हमको या MV इलेक्ट्रिशियन चाहिए या HV इलेक्ट्रिशियन चाहिए या MV LV और HV तीनों काम मालूम होने वाला इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो इसका ऊपर मैं वीडियो बनाएगा, ये है क्या, इसमें क्या होना चाहिए और इसमें क्या काम करना पड़ता है, इसमें क्या क्या है नहीं है डिटेल, ये वीडियो भी आएगा। तो ये महीना एंड तक, एंड ऑफ मंथ आपको ये सब वीडियो आप लोग को आ जाएगा, तो हर दिन आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप वीडियो को ठीक रात को 8 इंडिया टाइम जो है 8:30-9 बजे तक आपको वीडियो आ जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा तो आपको मिल जाएगा, सही है। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। मेरा जो बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो का अंदर ही आएगा, वीडियो कंटिन्यू देखते जाएगा तो बीच में आपको नंबर शो करेगा, उसमें से आप लोग नोट करके मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, सही है। बाकी इंस्टाग्राम आईडी भी उसमें आपको शो करेगा, जो इंस्टाग्राम आईडी भी आप मुझे उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। मैं हर इंस्टाग्राम आईडी का मैसेज और कमेंट्स का रिप्लाई और व्हाट्सअप का रिप्लाई मैं करता हूँ, जितना आदमी मेरा साथ जुड़ा हुआ है वो लोग को पता है, वो लोग का कमेंट्स देखे जो मेरा वीडियो में आपको समझ आ जाएगा, जो नया व्यूअर्स है, जो लोग नया मेरा चैनल में जुड़ रहा है, सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्लम्बिंग टेक्नीशियन को इलेक्ट्रिशियन का क्या काम मालूम होना चाहिए। देखिए ये बहुत डिफरेंट बात है, प्लम्बिंग टेक्नीशियन, प्लम्बिंग बहुत अलग काम है, जो इलेक्ट्रिकल का साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई एक प्लम्बर को इलेक्ट्रिकल DB या इलेक्ट्रिकल का काम का ऊपर कोई भी कंपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अलाउ नहीं करेगा, सेफ्टी प्रॉब्लम है, सेफ्टी भी इसको अप्रूव नहीं करेगा कि एक प्लम्बर जाके इलेक्ट्रिकल का काम या उसका DB में हाथ लगाए, सही है। क्यों, इलेक्ट्रिकल बहुत डेंजर काम होता है, उसके लिए अलग आदमी को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसके लिए अलग सेफ्टी प्रोटेक्शन होता है। एक प्लम्बर को जो बिल्कुल मालूम नहीं होता है और बिल्कुल मालूम भी नहीं होगा, क्यों, प्लम्बिंग का लाइन है वो पानी का और पाइप का साथ है, वो नॉर्मल है। ये जो इलेक्ट्रिकल का होता है वो बहुत डेंजर, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो बहुत डेंजर होता है, जो आदमी इंसान को जान से भी मार देता है और शॉक भी लगता है और बहुत कुछ एक्सीडेंट होता है, आग भी जल जाता है, सही है। तो ये काम दोनों अलग है, जिस वजह से प्लम्बर लोग को इलेक्ट्रिकल का DB में टच करने के लिए जो भी कंपनी में आप लोग काम किया होगा या जो नया आदमी करेगा, आप लोग को कोई भी सेफ्टी ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा या आपका सुपरवाइजर भी नहीं बोलेगा जाके आप इलेक्ट्रिकल पैनल में काम करो। लेकिन फिर भी जब इतना ही है प्रॉब्लम, तो फिर कंपनी अभी क्यों रिक्वायर, कंपनी का रिक्वायर ये है कि जो प्लम्बर है उसको इलेक्ट्रिकल का भी ये काम करना चाहिए। तो प्लम्बर नहीं है, प्लम्बर टेक्नीशियन, देखिए प्लम्बर अलग है, प्लम्बर टेक्नीशियन अलग है। प्लम्बर टेक्नीशियन बोलेगा तो हम लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में या जो मेंटेनेंस कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में ये टेक्नीशियन का जरूरत होता है। और प्लम्बर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जरूरत है, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्क होता है, बाकी कोई भी हॉस्पिटल वर्क होता है, कोई फैक्ट्री वर्क होता है, इंडस्ट्री वर्क का जो ये वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए प्लम्बर चाहिए और प्लम्बर को जो काम है वो काम करके वो आराम से उसमें चल सकता है, उसको इलेक्ट्रिकल का साथ कोई लेना देना नहीं है, करने का जरूरत नहीं है। और कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंपनी प्लम्बर रिक्वायर
करेगा उसको इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर करेगा नहीं, सही है। सिर्फ इतना ही पूछेगा आपको प्लम्बिंग को छोड़ के और क्या काम मालूम है और किस काम का बारे में नॉलेज है, इतना ही पूछेगा, लेकिन काम नहीं दिएगा ना इसका ऊपर वो इंटरव्यू करेगा, सही है मेरा बात। देखिए वीडियो लंबा भी हो रहा है तो ये आप लोग के अच्छा के लिए हो रहा है, जो आप लोग को कंफ्यूज है, जो आप लोग को मालूम नहीं है। देखिए आप लोग 10-10 साल भी गल्फ कंट्री में काम करने के बाद आज भी आप रिजेक्ट हो रहा है, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सही है। मेरे को ना यूट्यूब से 1 रुपया मिला है आज तक, 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरा चैनल को ना कम्प्लीटली मोनिटाइज भी नहीं हुआ है। क्यों? देखिए जो चैनल छोटा है, जो आदमी छोटा है 2000-3000 सब्सक्राइबर होगा तो वो चैनल को कैसे यूट्यूब पैसा देगा, जिसमें 10,000 कम से कम सब्सक्राइबर होगा या एक वीडियो जो छोड़ा उसको मिनिमम 1,50,000 लोग देखा तो फिर उसको कुछ ना कुछ YouTube पैसा देता है, बहुत कम वो भी। तो वो पैसा का टेंशन नहीं है, पैसा के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मेरा दोस्त लोग के लिए, जो नया है आना चाहता है या काम के बारे में जानना चाहता है या जो यहाँ है जिसको काम के बारे में जानना चाहता है या इंटरव्यू या जॉब के बारे में उसको जानना चाहता है, वो लोग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं एक हेल्पनेस थ्रू कर रहा हूँ काम, तो उसके लिए मेरे को ना आप लोग से कुछ चाहिए ना यूट्यूब से कुछ चाहिए, सही है। तो इसके लिए आप लोग का जिम्मेदारी यही है कि वीडियो को कम्प्लीट देखें। मैं 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग सोचिए एक आदमी 12 घंटा ड्यूटी करेगा, उसके बाद अपना खाना बनाना है, अपना रहना है, अपना जो डेली वर्क है उसको काम भी करना है, घर पे बात भी करना है, उसके बाद उसको कभी टाइम मिलता है वो वीडियो बनाता है, उसको एडिटिंग करता है, फिर उसको एडिटिंग करने के बाद उसको अपलोड करता है नेट में, इंटरनेट में, हाई स्पीड में उसको अपलोड करके आप लोग का पास मतलब पहुँचाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सोचने का कि ये जो दोस्त है हमारा, जो भाई है, हम लोग के लिए वीडियो बना रहा है, हम लोग उसमें से कुछ 100 नहीं है तो आपको 10% तो उस मेरा वीडियो में कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 80% आप लोग को जानकारी ही मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। जो मेरा वीडियो देख लिया, ऑलरेडी कमेंट्स किया है कि हम इंटरव्यू जाने से पहले आपका वीडियो देखा था और ऐसा ही एक्यूरेट ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर किया तो जो आप बताया था, सही है। क्यों? मेरे को मालूम है, मैं खुद बहुत सारे आदमी का इंटरव्यू ले चुका हूँ, 3-4 कंपनी चेंज करने के बाद जो मैं पहला कंपनी में था, बहुत सारे आदमी का इंटरव्यू ले, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का ऊपर, सही है। मुझे मालूम है क्या क्या क्वेश्चन आंसर होता है और किस प्रोजेक्ट के लिए किस टेक्नीशियन का जरूरत है, सही है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को फुल देखिए और जितना, जैसे आप एक प्लम्बर है या एक इलेक्ट्रिशियन है, आपका पास वीडियो पहुँच गया, आपका जानकारी में जितना भी दोस्त लोग है जो आपका रिलेटिव प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल का काम करता है उसको शेयर कर देने का, उसको बोलने का ये सब्सक्राइब करो, इतना हेल्प आपसे मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सही है। तो चलिए मैं जो बोल रहा था कि प्लम्बिंग टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल काम क्या मालूम होना चाहिए, देखिए प्लम्बर को छोड़ दीजिए, प्लम्बर कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए है, प्लम्बर FM टीम के लिए नहीं है, प्लम्बर जो है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट में वो फेल हो जाएगा, उसको कोई नहीं लेगा, लेगा भी तो हेल्पर में लेगा या असिस्टेंट में लेगा, 1000 से 1200-1500 दिराम सैलरी देख लेगा। लेकिन जो प्लम्बिंग टेक्नीशियन है वो 1500 से 2200 दिराम सैलरी, यहाँ का जो UAE का होता है दिराम, उसका ऊपर मैं बोलता हूँ, वो सैलरी में उसको हर कंपनी ले लेगा, ओवर टाइम के साथ वो 2500-3000 कमा सकता है, सही है। और कमा भी रहा है, जो लोग वीडियो देखेगा वो लोग को पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट और इंजीनियर कंपनी में जो प्लम्बिंग टेक्नीशियन का इंटरव्यू होता है उसमें इलेक्ट्रिकल का क्या काम मालूम होना चाहिए वो लोग पूछता है। देखिए प्लम्बर है, प्लम्बर को जो काम है वो तो प्लम्बर को मालूम है, जैसे उसका पंप का बारे में, जैसे पंप हम लोग सम पंप यूज करता है, सम पंप पानी नहीं उठा रहा है तो उसको कैसे हम लोग काम करेगा वो एक प्लम्बर टेक्नीशियन को मालूम है, क्योंकि प्लम्बर का काम है सम पंप फिक्स कर देने का, जब नया कंस्ट्रक्शन चलता है पाइपलाइन कनेक्शन करके वो छोड़ देने का, चालू करके नया में तो सब चलेगा, लेकिन जब वो 5 साल 10 साल 20 साल चलते रहेगा उसका बाद में 1000 प्रॉब्लम आता है, उसमें ट्रबल आता है, वो उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है, उसका प्रॉब्लम समझ के उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्लम्बिंग टेक्नीशियन का उधर जरूरत होता है। वो जो प्लम्बर लगाया उसको वो आइडिया नहीं है, वो उसको ठीक नहीं कर सकता है, तो प्लम्बर टेक्नीशियन क्या करेगा, उसका फ्लोर स्विच चेक करेगा, उसका कंट्रोल पैनल चेक करेगा और उसका जो रिले है उसको चेक करेगा, उसके बाद में उसका पंप का जो गैसकेट है या फूड जो उसका वाशर है, उसका जो एनर भी है वो सब वो चेक करेगा, वो प्लम्बर टेक्नीशियन को मालूम है। तो प्लम्बर और प्लम्बर टेक्नीशियन में यही डिफरेंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल का काम क्या उसको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल को आपको कोई भी कंपनी इंटरव्यू करने का टाइम प्लम्बिंग टेक्नीशियन को प्लम्बिंग के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, भाई इरीगेशन पंप कैसे काम करता है, टाइमर कैसे सेटिंग होता है, STP क्या है, STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP ये है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जो हमारा WS का जो सॉयल वाटर आता है वो एक टैंकी में जाता है, उसको फिल्टर करके दूसरा टैंकी जाता है, फिर दूसरा टैंकी से उसको इरिगेशन टैंकी में जाता है, उसका जो सिस्टमेटिक पूरा प्रोग्राम को उसका जो डिपार्ट को STP ही बोला जाता है, जैसे हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सही है। आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछेगा भाई STP क्या है, तो आपको STP बोलेगा तो आपको सोचेगा SDP बोला,
एचडीपी जो हम लोग पाइप काम करता है आप उसका ऊपर बात कर देंगे, क्यों आपको एचडीपी के बारे में मालूम नहीं है तो आप वही सोचेगा, लेकिन ये नहीं है जो बोल रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, अच्छा से सुनना पड़ेगा, दोबारा पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एचडीपी ये होता है, ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे बात आएगा और जो आपको बताना पड़ेगा, बोला कि एसपी क्या है और डब्ल्यूपी क्या है और वेंट क्या है, वीपी क्या है, तो इसका ऊपर सब आपको बताना पड़ेगा जो प्लम्बर को मालूम है। इलेक्ट्रिशियन का ऊपर क्या पूछेगा कि बोलेगा आपका पंप कैसे चालू होता है, अब बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी में चालू होता है, पावर में चालू होता है, ऐसा नहीं है, उसमें तो चालू होता है लेकिन कौन चालू करता है, उसको हमारा कंट्रोल पैनल चालू करता है। तो उसको आपको पूछेगा वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या काम है, स्टार डेल्टा पंप चालू करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज होता है। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है हमारा पंप को रनिंग करने के लिए जो स्टार्ट और स्टॉप करेगा उसी का काम हो जाता है। उसमें तीन कॉन्ट्रैक्टर आता है, जो हमारा एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा और एक स्टार और एक डेल्टा होगा, सही है। उसमें एक ओवरलोड रिले आएगा और उसका बाद उसमें टाइमर आएगा जिसके हिसाब से वो टाइमिंग सेट होगा कि ये पंप एक घंटा चलने का बाद दूसरा पंप चलने का, फिर दूसरा पंप जब बंद हो जाएगा फिर ये पहला वाला फिर चालू होएगा। ये जो मॉनिटरिंग करता है उसको, वो जो जजमेंट करता है डिसाइड करता है, वो हमारा टाइमर करता है। और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि हमारा पंप को चालू करता है, जैसे हमारा पंप को डायरेक्ट हम लोग पावर दे देगा तो वो पंप चलेगा हाई स्पीड में, सीधा आएगा पावर चालू कर दिया डायरेक्ट चल गया, पंप हमारा जल जाएगा खराब हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है उसको हमारा जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या करता है वो रोड्यूस करता है, रोड्यूस करने के बाद जो स्टार्टिंग करंट है उसको थोड़ा स्लो डाउन करके वो हमारा पंप को स्टार्ट करता है। धीरे धीरे हम लोग स्लो से किसमें स्टार में जैसे हम लोग को स्टार्ट करेगा, सडनली हमारा स्टार में स्टार्ट हो जाएगा लेकिन 10 सेकंड के बाद वो डेल्टा में चला जाएगा। डेल्टा में चला जाने के बाद जो मोटर का जो आरपीएम है वही स्पीड में वो कंटिन्यू चलेगा, तो जिस वजह से हमारा मोटर का कॉइल बचेगा, बाकी मोटर कुछ हैमरिंग नहीं करेगा, जो मोटर वाइब्रेशन नहीं करेगा, और इसके लिए हम लोग को वो सब यूज करना पड़ता है। कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का यही काम होता है जो हमारा मोटर को चालू करने के लिए। आप एक लाइन में भी बोल सकते हैं कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो हमारा मोटर को चालू करने के लिए यूज करता है और वो चालू और बंद करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, सही। इतना भी बोल देगा तो प्लम्बर को और डीपली नहीं पूछेगा। और कभी पूछेगा तो कि आपको कंट्रोल पैनल का वायरिंग कैसे होता है, इसका वायरिंग कैसे होता है, इसका एनओ इंची क्या है, उसका ऊपर बोलेगा तो आप उसको भी, मेरा दूसरा यही चैनल में दूसरा वीडियो है जो टोटल कंट्रोलिंग वायरिंग को मैं डिटेल बताया, वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो ऑप्शन में जाएगा तो बहुत सारे वीडियो है, उसमें से स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन वायरिंग ऐसा कंट्रोल वायरिंग लिखा है, आप उसको देख सकते हैं, पूरा समझ जाएगा, सही है। तो मतलब आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल का काम मालूम होना चाहिए। तो यही होना चाहिए कि कंट्रोल पैनल के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में मालूम होना चाहिए, बोलेगा वीएफडी क्या है, अभी जो न्यू वर्जन में हमारा जितना भी काम हो रहा है, जो जैसे हम लोग बूस्टर पंप हो गया या चिल वाटर पंप हो गया, वो हमारा कंटिन्यू चलते रहता है। चिल वाटर का जो हम लोग का एएचयू हो गया, एएचयू क्या होता है कि हायर हैंडलिंग यूनिट, सही है। ये क्या करता है हमारा जो एसी हम लोग चलता है बिल्डिंग के अंदर वो इसको काम करता है। तो इसका जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें वीएफडी लगता है कि ये पूरा कंटिन्यू हमेशा चलता रहता है, तो इसके लिए वीएफडी का थ्रू चलेगा, तो ये जब जितना स्पीड में चलना चाहिए जो आरपीएम है उसका वो हिसाब से वो चलाएगा, जितना परसेंट में आपको चालू करना है स्लो में स्लो या हाई में हाई या लो में लो, वो हिसाब से वो वीएफडी काम करेगा, हमारा करंट बिल को भी सेव करेगा, हमारा पंप मोटर को भी सेव करेगा और बहुत कुछ, हमारा जो मोटर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी वो एडजस्टमेंट करेगा। तो ये वीएफडी है, जो वीएफडी हमारा सेम काम करता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, लेकिन इसमें थोड़ा और ऑप्शन ज़्यादा है और इसमें फैसिलिटी ज़्यादा रहता है जो हम लोग को ज़रूरत है, सही है। तो ये वीएफडी है जो हम लोग को पंप को चालू करने का, मोटर को चालू करने का और बंद करने का, ये आपको काम, ये काम मालूम होना चाहिए। बाकी बोलेगा जो फ्लो स्विच है, फ्लो स्विच और फ्लोट स्विच वो दोनों अलग है। फ्लोट स्विच जो होता है वो हमारा पंप का, सम पंप का, या जो हम लोग पंप मोटर चालू करने के लिए जो ट्रांसफार्म पंप हो गया, जो पानी का अंदर टैंक, पानी का टंकी में हम लोग पानी भर रहा है और पानी भरने के बाद ऑटोमेटिक पंप हमारा बंद होना चाहिए, तो उस टाइम हमारा फ्लोट स्विच एनओ से एनसी हो जाएगा, तो फिर वो हमारा पंप जो है हमारा बंद हो जाएगा, सही है। फिर जब पानी नीचे चला जाएगा फिर वो फ्लोट स्विच डाउन हो जाएगा, फिर एनओ एनसी उसको कमेंट देगा तो फिर पंप चालू हो जाएगा। तो वो हो गया हमारा फ्लोट स्विच, या हमारा सब पंप जितना है जो बेसमेंट एरिया टैंकी एरिया में जो सम पंप होता है, सम पंप का फ्लोट स्विच भी, उसका भी काम ऐसा होता है, उसका बारे में पूछेगा ये फ्लोट स्विच कैसे काम करता है, इसमें एनओ एनसी कैसे होगा, इसमें क्या मतलब कंटिन्यूटी कहाँ दिखाएगा, कंट्रोल पैनल में कहाँ कनेक्शन होगा, उसका ऊपर वो पूछेगा। तो उसका ऊपर भी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हर टॉपिक के ऊपर मैं नहीं जाएगा, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
एक प्लम्बर टेक्नीशियन को इलेक्ट्रिकल का क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये काम भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में अच्छा सैलरी 1800-2200 में सैलरी भी मिलेगा और जल्दी आपका इंटरव्यू सिलेक्ट भी हो जाएगा। और बाकी पंप का ऊपर तो ज़्यादा ध्यान देना है, हर पंप का ऊपर बूस्टर पंप क्या है, ट्रांसफार्मर पंप क्या है, इसका काम क्या है। जैसे बूस्टर पंप हमारा बिल्डिंग में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग बूस्टर लगाता है, और बाकी हमारा जो जॉकी पंप क्या करता है, हमारा जो पाइपलाइन है जो हमारा बिल्डिंग है उसमें पानी जितना प्रेशर में चाहिए जितना बार चाहिए उसको वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, वो पानी उसमें उतना ही जो प्रेशर गेज होता है हमारा उतना बार में हमारा रहना चाहिए, उससे कम होगा तो जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा। पहले जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा उसका बाद में उसको सपोर्टिंग करने के लिए ज़्यादा पानी यूज हो रहा है तो हमारा बूस्टर पंप वो चालू हो जाएगा वन बाय वन। तो कहीं भी देखिएगा तो प्लम्बिंग में आपको बूस्टर पंप दो और उसके साथ जॉकी पंप एक लगेगा, कहीं कहीं पुराना जो बिल्डिंग है वहाँ सिर्फ बूस्टर पंप ही है, बाकी जो पूरा बिल्डिंग जैसे 10 फ्लोर 15 फ्लोर बिल्डिंग को पानी उठाना है ऊपर में ओवर हेड टैंकी नहीं है आपको बेसमेंट में टैंकी है तो वहाँ आपको जॉकी पंप के साथ बूस्टर पंप आएगा। तो जॉकी पंप जो है वो आपको कंटिन्यू चलता रहेगा कि वो पानी पाइपलाइन के अंदर होना चाहिए, बाकी जो बूस्टर पंप है वो उसको जब पानी ज़्यादा यूज होगा जैसे 10 फ्लैट का पानी एक साथ में यूज हो रहा है तो जॉकी पंप का जितना कैपेसिटी है उतना ही वो पानी फेंक सकता है, उसके बाद में उसको सपोर्टिंग करने के लिए बूस्टर पंप चालू हो जाएगा। तो बूस्टर पंप का काम यही होता है। बाकी हमारा ट्रांसफार्मर पंप का काम क्या होता है कि ट्रांसफार्मर पंप का काम ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया ये कल बनाया था अपलोड हुआ है वो वीडियो देख लीजिए, और उसमें भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इसका आपको डायग्राम बना के दो, ये जो बूस्टर पंप है वो कैसे कनेक्शन होता है। जैसे हमारा वाटर टैंक है, वाटर टैंक से पाइप आया और इधर से हम लोग बिल्डिंग का अंदर पाइप चला गया, तो ये जो पाइप मतलब इनलेट और आउटलेट इसका बीच में जो हमारा पंप सेट बैठा, तो पंप सेट का क्या एक्सेसरीज आया, क्या फिटिंग आया, कैसे फिटिंग हुआ, कौन सा बात कौन सा फिटिंग हुआ, जैसे गेट वाल है, NRB है और हमारा फ्लो स्विच है, ये कैसा है, उसका पूरा डिटेल आप डायग्राम बनाओ, वो आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बना पाएगा तो वो बोलेगा कि ये इसको काम मालूम नहीं है, तो फिर वो आपको रिजेक्ट करेगा। तो ये वीडियो आपको देखना है तो मेरा बूस्टर पंप का वीडियो है चैनल में, वो जाकर देख सकता है, या ट्रांसफार्मर पंप का क्या क्या एक्सेसरीज है, कैसा फिटिंग होता है, वो क्या करता है, उसका ऊपर भी वीडियो में बनाया, चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। हर वीडियो में बना कर रखा है आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, आपका जो कन्फ्यूज है वो दूर होने के लिए। सिर्फ आप मेरा चैनल में जाइए, हर एक वीडियो ढूंढ के देखिए जो आपको काम आएगा, सही है। ये सब काम आपको मालूम होना चाहिए, फ्लो स्विच को बोलेगा कैसे काम नहीं करा तो कैसे चेक करेगा। देखिए फ्लो स्विच कोई भी है तो ये हमारा दो वायर का थ्रू काम करता है, एक प्लस माइनस जो हमारा लाइन या न्यूट्रल बोलते हैं उसको हम देखेंगे, वायर कनेक्शन लूज है कंट्रोल पैनल के अंदर या उसका अंदर में वो कार्बन हो गया, खराब हो गया, वायर लूज है, उसको खोल के हम लोग चेक करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा डिवाइस को हम चेक करेंगे कि ये शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट हो गया तो उसको रिप्लेसमेंट कर लेंगे, नया लगा देंगे, बाकी नहीं है तो लूज कनेक्शन है तो उसको लूज कनेक्शन को हम लोग फिर दोबारा कनेक्शन करके टाइट करेंगे तो वो फिर हो जाएगा। तो फ्लो स्विच क्या करता है कि हमारा जो पानी है वो चलता है या नहीं चलता है वो डिस्प्ले में शो करेगा, हमारा जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में होता है तो उसमें वो स्लो करेगा पानी चलता है नहीं चलता है और कितना प्रेशर में जाता है, आपका पानी कितना स्पीड में जाएगा वो आपका डिस्प्ले का ऊपर वो बार मूवी होता है। और फ्लोट स्विच का काम क्या होता है, फ्लोट स्विच जो होता है वो हमारा पंप को चालू और बंद करने के लिए, फ्लोट स्विच दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक NO टाइप में कनेक्शन किया जाता है, एक NC टाइप में कनेक्शन किया जाता है। फ्लोट स्विच के अंदर तीन वायर होता है, जो उसी में से ही NO NC आप लोग चॉइस कर कंटिन्यूटी में आप लोग टेस्ट करेगा मल्टीमीटर में, कंटिन्यू लेने के बाद आपको जिस जैसे बिल्डिंग का नीचे तरफ आपको टैंकी है तो नीचे से संपम का एरिया में आपको किस टाइप का कनेक्शन करना पड़ेगा कि आपका पानी जो फ्लोट स्विच आपको ऊपर आएगा तब आपको पानी जैसे भर गया आपका फ्लोट स्विच ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा तो आपका पंप चालू होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वो टाइम में वही हिसाब से रख के देखने का कि ये हमारा NO में कंटिन्यूटी मिल रहा है या NC में कंटिन्यूटी, वही हिसाब से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसे ओवर हेड टैंकी है, जैसे आपका जो पंप है वो टैंकी के अंदर फ्लोट स्विच जैसे लटका के रखेगा, जब आपका पानी भरेगा तभी वो ऐसे ऊपर हो जाएगा, फिर आपका पंप बंद हो जाएगा। तो वो हिसाब से होता है, जो लोग काम किया उन लोग को मालूम है, जो काम नहीं किया तो उन लोग को पता नहीं है, वो काम करिए, वो काम सीखिए, और नहीं तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख के इंटरव्यू में आप लोग क्वेश्चन आंसर बराबर दे दीजिए, बाकी आने के बाद आपको धीरे धीरे सब काम मालूम हो जाएगा। उसके साथ साथ में और क्या इलेक्ट्रिकल का काम मालूम होना चाहिए, जैसे जैसे छोटा छोटा होता है हमारा टाइमर होता है, टाइमर के अंदर हमारा सनलाइट का वाल्व जो लगता है, जो इरिगेशन में आप लोग देखा होगा कि गार्डन के अंदर एक सनलाइट वाल्व लगता है जो हमारा पानी को टाइमिंग का हिसाब से चालू करने का, ये एरिया का जो गार्डन है उसको 5 मिनट या 10 मिनट जो टाइमिंग सेट है उसमें वही वाल्व क्या करता है, क्लोज करता है और ओपन करता है जो हमारा स्प्रिंकलर को, जितना स्प्रिंकलर है गार्डन में, तो उसको वो
उसका जो वायर आएगा प्लस माइनस, उसको लेके हम लोग सीधा टाइमर का पीछे कनेक्शन करना है, कहाँ कनेक्शन करना है, कैसे कनेक्शन करना है, उसका ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। वही टेक्नीशियन का काम होता है, वही इलेक्ट्रिकल का रिलेटिव काम होता है। तो इतना ही काम आपको मालूम हो जाएगा, इंटरव्यू में आप लोग बता दिया। ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो इंटरव्यू होगा वो आपको हर पंप का ऊपर डिटेल पूछेगा, हर पंप का बारे में पूछेगा। वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, मेरा चैनल देखो, किसी का चैनल देखो, लेकिन पंप का ऊपर ज़्यादा वीडियो देखो। आपका पाइपलाइन जैसे प्लम्बर में हम पीपीआर पाइप काम किया, हम ऐसे ही उसको ये मशीन में शोल्डिंग किया, या हम लोग उसको ग्लू में फिटिंग किया, या डब्लिश फिटिंग किया, फ्लाश टैंक फिशिंग किया, वो क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछेगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट में आपको पंप का ऊपर ज़्यादा पूछेगा, बाकी आपको टैंकी का बारे में पूछेगा, एसटीपी का बारे में पूछेगा, फिल्टर पंप क्या है उसका बारे में पूछेगा, आपको स्विमिंग पूल कैसे काम करता है, उसका जो हमारा फिल्टर है उसका बैक वाश कैसे होता है, उसके में हम लोग को पानी के क्या क्या पंप, जैसे स्विमिंग पूल में आपको बोलेगा स्विमिंग पूल में कितना पंप होता है, आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं, काम नहीं किया तो मालूम। देखिए तीन पंप होता है, एक हमारा होता है कि बूस्टर पंप जो होता है हमारा पानी उधर स्विमिंग पूल का अंदर पानी फ्लो करके पानी भर के रखने के लिए, वो बूस्टर पंप का काम है। और सर्कुलेशन पंप क्या करता है, वो जो पानी है अंदर का पानी है उसको सीधा सर्कुलेट करता है, वो पानी को लेकर आता है फिल्टर करके फिर वापस उसको भेजता है, सही है, सर्कुलेट करता है, मतलब पानी का अंदर उधर जो पानी है उसको वो सर्कुलेशन करेगा। बाकी हमारा एक फिल्टर पंप है, फिल्टर पंप क्या करता है, वो पंप बैक वॉश करने के लिए हम लोग फिल्टर पंप का थ्रू हम लोग उसको यूज़ करता है। तो बैक वॉश में क्या होता है, हमारा जो फिल्टर का अंदर जो कचरा होता है वो क्लीन हो जाता है, और हमारा प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है। जो हमारा स्विमिंग पूल में जैसे आदमी नहाता है, जैसे पानी गंदा हो जाता है, वो पानी वापस फिर आता है टैंकी में आके फिल्टर टैंक में वो फिल्टर होकर वापस फिर जाता है, वो फिल्टर पंप का काम वो लेता है। मतलब तीन पंप होता है, एक सर्कुलेट पंप है, सर्कुलेशन पंप, एक फिल्ट्रेशन पंप, और एक बूस्टर पंप, ये हमारा स्विमिंग पूल के लिए होता है। बाकी कहीं भी आपको जैसे देखेगा कोई माहौल है या कुछ डेकोरेशन, कोई ऐसा जगह है जो आपका पानी का डिजाइनिंग होएगा, पानी ऐसे स्प्रे करेगा, कोई फाउंटेन होगा, कोई मूर्ति होगा, जो स्टैचू होगा उसके ऊपर पानी गिरता है, आप लोग देखा होगा डिजाइन में, तो ऐसा उसी जगह पर भी ये सेम पंप तीनों होता है, बूस्टर पंप और हमारा सर्कुलेशन पंप और फिल्टर पंप। तो ये सब बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो प्लम्बर बिल्डिंग में क्या काम करता है प्लम्बर, उसका पाइपलाइन का साथ का ज़्यादा रिलेटिव है, कौन सा पाइप आया, पी बी सी आया, यू पी बी सी आया, हाई प्रेशर आया, लो प्रेशर आया, सी पी बी सी आया, या हमको पी पी आर आया, या हमको एच डी पी पाइप आया, उसका ऊपर उसको नॉलेज होना चाहिए। वो पाइप कैसे सोल्डिंग होता है, कैसे जॉइंट होता है, कैसे फिक्स होता है, कैसे क्लैंपिंग होता है, कैसे सपोर्टिंग होता है, और उसका बाद में जो डब्लिश है उसको कैसे फिक्स करेगा, उसका ड्रेनेज पाइप कौन सा हाइट में रहना चाहिए, वाश बेसिन का हाइट कितना होना चाहिए, उसका वाटर का पॉइंट जो हॉट कोल्ड वाटर वो कितना, वेस्ट जो वेस्ट पाइप होता है उससे कितना डिफरेंट में होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए। जैसे हमको बॉटल ट्रैप जब हम लोग लगाएंगे वाश बेसिन का साथ, वो बराबर उसका जो रेडीमेड फिटिंग आया उसमें सेट हो जाना चाहिए, उसमें छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसका सब मेजरमेंट है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जरूरत है कि वो आप नया उधर करेगा, आपको इधर नहीं पूछेगा FM कंपनी में आपको वाश बेसिन का हाइट कितना है, समझ रहा है ना। कभी कभी पूछेगा कि डब्लिश ब्लॉक हो गया तो आपको कैसे क्लीन करना है। देखिए क्लीन करने के लिए हमारे पास केमिकल भी है, पंप भी है, हैंड पंप भी है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया डब्लिश को ओपन करके भी हम उसका अंदर जो इतना बड़ा पाइप है उसमें कुछ भी जाएगा तो वो क्लियर हो सकता है आराम से। या कोई मेन होल आपका ब्लॉक हो गया, जैसे आपको बड़ा लाइन है अंडरग्राउंड में, आपको ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे मेन होल है और बहुत लंबा पाइपलाइन है, उसमें किधर ब्लॉक हो गया, पानी बाहर आ रहा है, तो उसको कैसे क्लीन करेगा, उसको हम लोग ऐसे सीधा वो कवर उठाएगा, कवर उठाने के बाद हमको जेट मशीन जो होता है, जेट पंप का थ्रू हम लोग, बहुत हाई प्रेशर का होता है, उसमें क्या होता है पानी का साथ एयर आता है, इतना स्पीड में आता है कि जो भी किधर भी ब्लॉक होगा वो पूरा क्लियर होकर सीधा जगह टंकी में गिरेगा, या जो भी आपका केनाल होगा या जो भी नाली होगा उसमें जाके गिरेगा। तो ऐसा है बहुत सारे, जो आपको पूछेगा कि ग्रीस ट्रैप क्या है, ग्रीस ट्रैप देखिए किचन लाइन में जो हमारा किचन का पूरा ऑयल आता है, जो होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या अपना कोई भी किचन लाइन का हो गया, जो पूरा ऑयल ज़्यादा आता है, ऑयल के साथ पानी, वो पानी सीधा बाहर ऑयल का साथ पूरा जाकर टैंकी में नहीं जाता है, उधर वो ग्रीस ट्रैप के साथ क्या होता है, वो फिल्टर हो जाता है, ऑयल उधर बच जाता है, सिर्फ पानी ही उधर बाहर चला जाता है, सही है। तो उसका बारे में भी पूछेगा। बाकी आपको ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का साथ साथ एक प्लम्बिंग टेक्नीशियन को फायर फाइटिंग के ऊपर भी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। फायर फाइटिंग में पूछेगा स्प्रिंकलर पंप क्या है और स्टैंड पाइप क्या है, स्टैंड पाइप कहाँ पे होता है, फायर में कितना पंप होता है आपको पूछेगा। आपको देखिए फायर लाइन में हमारा दो लाइन होता है, एक हमारा स्टैंड पाइप होता है और एक हमारा स्प्रिंकलर लाइन होता है। तो स्प्रिंकलर लाइन जो होता है उसमें तीन पंप होता है, एक जॉकी पंप होगा और एक हमारा डीजल पंप होगा और एक हमारा इलेक्ट्रिकल का पंप होगा, जो ट्रांसफार्मर पंप है, सही है। और हमको ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर लाइन, सेम हमको तीनों स्टैंड पाइप लाइन में भी हमको जाएगा। स्टैंड पाइप लाइन बोलेगा तो हमारा जो कैबिनेट आता है उसके अंदर रोल आता है, होस आता है, जो हमारा आदमी जाकर वाल्व खोल के उसको प्रेशर पाइप पकड़ के
और उसका जो ट्यूब है उसको पकड़ के आग बुझाने के लिए फायरमैन वो होता है, सही है, जिसमें हम लोग कैबिनेट एक आता है उसमें दो फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है। तो फायर रोल फायर होस का जो पानी है वो हमारा स्टैंड पाइपलाइन में कनेक्शन होता है, उसका वाल उधर आदमी मैनुअली ओपन करके उसको चालू करने का। लेकिन जो स्प्रिंकलर लाइन होता है वो बिल्डिंग का स्प्रिंकलर जो होता है, दिखा होगा आपको फायर लाइन में एक एक स्प्रिंकलर लगा होगा, सीलिंग के अंदर भी ड्रॉपिंग में लगा होगा, सीलिंग के ऊपर भी लगा होगा, उसको कोई मैनुअली करने का जरूरत नहीं। जब आग लगेगा उसके अंदर एक गैस वाला हमारा एक ग्लास है तो वो स्प्रिंकलर के अंदर उसको क्या करेगा, हीट होने के बाद थोड़ा आग लगेगा तो वो फट जाएगा, उसमें पानी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, वो स्प्रिंकलर लाइन है। दोनों अलग अलग लाइन है, उसमें कितना बार प्रेशर मेंटेन होना चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। पीएसए का हर बिल्डिंग में अलग अलग मेजरमेंट का हिसाब से पानी प्रेशर रहता है, और लगभग 10 बार आप लोग बार का हिसाब से पूछेगा तो 10 से 12 बार प्रेशर उसमें रहना चाहिए, या पीएसआई पूछेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि 150 पीएसआई हमारा स्टैंड पाइप लाइन में होना चाहिए और 260-280 पीएसआई हमारा स्प्रिंकलर लाइन में होना चाहिए, सही है। आपको इतना ही फायर के बारे में आप बता देगा तो फिर देखिए हर जो ट्रेड के बारे में, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और फायर टेक्नीशियन, ये तीनों काम का जब इंटरव्यू होगा एक प्लम्बिंग टेक्नीशियन को होगा, उसमें से वो ऐसा नहीं है कि पूरा 100% पूछेगा, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा, उसमें 4 क्वेश्चन पूछा, उतना मेन मेन आप बता दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सही है। इसके लिए आदमी गल्फ कंट्री में 5 साल 10 साल काम करने के बाद भी वो लोग को फिर भी समझ नहीं आ रहा है इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आएगा, हम लोग कैसे काम करेगा, क्यों कभी ये थ्रू वो लोग काम नहीं किया, सिर्फ प्लम्बिंग में गया, अपना जो प्लम्बिंग का काम होता है पाइपलाइन फिटिंग किया, वाटर सप्लाई लाइन या ड्रेनेज लाइन या स्विमिंग पूल लाइन या उसका सीवर लाइन या राइजर लाइन, उतना ही काम करते करते वो लोग का टाइम चला जाता है। तो इसके लिए दिक्कत होता है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग हमारा वीडियो देखिए, हम जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर आएगा उसी के ऊपर ही वीडियो बनाता है, क्या क्या आएगा उसके ऊपर ही बताता है, कुछ बात हम आंसर बता देते हैं, कुछ आंसर हम बताने के लिए लंबा वीडियो हो जाएगा, दूसरा वीडियो ऑलरेडी जब हम बनाया इसके लिए हम बोलते हैं कि वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बारे में आपको समझ आ जाएगा, सही है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग समझ आया, अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।